नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान में। आपके साथ मैं हूँ राधा बकुत्रा और आज के इस खास स्पेशल शो में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं उस पर्सनालिटी के बारे में जो सुपर विमेन के नाम से जानी जाती है। हमारे साथ मौजूद है पूनम गुप्ता जी, जो पीजी पेपर लिमिटेड कंपनी की सीईओ हैं और फाउंडर भी हैं। आज उनके जीवन की कहानी से जुड़ी एक खास और दिलचस्प बातें आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो कैसे विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। स्कॉटलैंड में रहती हैं लेकिन हिंदी जबरदस्त बोलती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहले आपका स्वागत है जी हिंदुस्तान में। और आपके बारे में जब हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके नाम के आगे आता है टैग पेपर क्वीन का। ये पेपर क्वीन का टैग आपको कब मिला और क्या कहानी आखिर इसकी? मैंने अपना बिजनेस पेपर का 2003 में स्टार्ट किया और शायद मैं पेपर इंडस्ट्री को एंटर करने वाली पहली महिला रही इंटरनेशनली। और 2008-09 तक कंपनी को काफ़ी लोग जानने लगे और मेरे को काफ़ी अवार्ड्स मिलने लगे और बस मीडिया ने ये पेपर क्वीन का नाम दे दिया और तब से वो मेरे साथ अटका हुआ है। आपको जब पेपर क्वीन के नाम से बुलाया जाता है क्या फीलिंग होती है? कितना प्राउड मोमेंट होता है ये आपके लिए? मेरे लिए शायद काफ़ी मोमेंट्स काफ़ी हम्बलिंग होते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर किया जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैंने सब कुछ अपने आप सीखा और उसमें एक मेरी कंपनी का आज नाम है। हम 60 देशों से ज़्यादा देशों में काम कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग पेपर क्वीन बुलाते हैं। आज तक पूरे नाम की अगर आपके बात करें तो डॉक्टर पूनम गुप्ता OBE, तो ये क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये OBE क्या है? OBE एक ऑनर है जो UK का क्राउन या जैसे क्वीन थी अब किंग है आपको देते हैं आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। जैसे इंडिया में पद्मश्री होता है तो OBE एक्चुअली पद्मश्री का UK इक्वलेंट है जो मुझे मेरे बिजनेस और चैरिटेबल काम के लिए 2016 में मिला। हिंदी भाषा से आपका काफ़ी ज़्यादा लगाव है, इसके बारे में आप कुछ बताइए कि स्कॉटलैंड में रहते हुए भी भारत से आपका कितना खास लगाव है और हिंदी को आप लैंग्वेज को आप किस तरीके से प्रमोट करते हैं? हिंदी मेरी मातृभाषा है और मैं कभी नहीं चाहती कि मैं हिंदी बोलनी भूल जाऊँ। मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि मैं 2 या 3 भाषाएँ बहुत अच्छे से बोलती हूँ और मेरे बच्चे भी एक्चुअली हिंदी बोलते हैं जबकि वो वहीं की पैदाइश हैं। जब आप दूर रहते हैं तो आई थिंक आपका अपने देश से और ज़्यादा लगाव हो जाता है। एज अ वीमेन एंटरप्रेन्योर आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करना, क्योंकि बेटी भी है आपकी, तो क्या कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं? एक औरत का व्यापार व्यवसायी होना या व्यापार करना, स्पेशली जैसे मेरा व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे है तो बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है एंड वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी 2 बेटियां हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यापार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कभी कभी होता है मुश्किल, लेकिन अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। कोविड टाइम पे जब आपने भारत मदद पहुंचाई तो उस नाम के आगे एक वर्ड जुड़ता है जो है फिलोंथ्रोपी, जिसका मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा समाज के हित में काम करे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी जब कोविड क्राइसिस आए उस टाइम पे आपने भारत को किस तरीके से जितना योगदान आप कर सकते थे यहाँ के लोगों के लिए वो क्या कुछ खास काम रहे आपके? जब कोविड तो सारी दुनिया में ही था तो जहाँ जहाँ मदद पहुँचा सकते थे पहुँचाई, यूके में भी किया, लेकिन यहाँ पर जैसे उस समय ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की काफ़ी कमी हो गई थी तो हमने पूरे काफ़ी देशों से जितनी जल्दी हो सके ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स खरीद के करीब 5 से 6 हज़ार कॉन्सनट्रेटर्स पूरे इंडिया में भेजे। ब्रिटेन में जो PM है अब वो भारतीय मूल के हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या अब आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में किस तरीके से अलग एक जो है नज़ारा देखने को मिलेगा या संबंध में एक अलग कुछ चीज़ें बर्ताव देखने को मिलेंगे? बड़ी गर्व की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री आज एक इंडियन ओरिजिन का इंसान है। जहाँ तक देशों के संबंधों की बात है तो बहुत मोदी जी और ऋषि सुनक बहुत टाइम से इंडिया और यूके में एक FTA जिसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट हो रहा है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध कल्चरल संबंध और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन में मोदी जी के आने के बाद में भारत की जो एक इमेज है वो वहाँ पर बदली है? जिसके तो आने के बाद पूरी दुनिया में भारत की इमेज बदली है,
भारतीयों को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। और मोदी जी ने जो भारत की छवि पूरी दुनिया में बनाई है कि एक ग्रोइंग नेशन है, सुपर पावर है, सुपर इकोनॉमी है, तो लोगों के मन में भारत के बारे में उत्सुकता है और उनको लगता है कि भारत एक बहुत अहम देश है। एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर आपने कई सारे जो स्टार्टअप है उसमें भी इन्वेस्ट कर रखा है, क्या आपका क्या सोचना है कि भारत में इस समय जो बिजनेस स्केल है वो किस तरीके से ग्रो करेगा और आपकी क्या पर्सनल राय है इस चीज़ को लेकर? भारत में दुनिया की सबसे कम उम्र की आबादी के सबसे ज़्यादा लोग हैं और मेरे को लगता है भारत हमेशा से ही बहुत एंटरप्रेन्योरियल रहा है। हम लोग चीज़ें फेंकने में इतना विश्वास नहीं करते, हम हर चीज़ का जो हमारे यहाँ बोलते हैं जुगाड़ निकाल देते हैं, लेकिन हमारा जो अब नए ये जो नई पीढ़ी आ रही है एजुकेटेड है, एम्बिशियस है और आप देखते हो रोज़ ही कोई ना कोई यूनिकॉर्न खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है जो इंडिया का बिजनेस लैंडस्केप है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बहुत एक्साइटिंग है। बहुत भारतीय कंपनी भी हैं जो यहाँ से शुरू होकर बाहर पूरी दुनिया में काम कर रही हैं और ये अब अगले 5-10 साल भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है ये बहुत जल्दी पूरा कर पाएगा। जी पूनम जी, आपका जो पेपर का कारोबार है वो बहुत बड़ा है, करीबन 60 देशों में ये जो पेपर्स हैं आप भिजवाते हैं वहाँ पर। इसके अलावा आपने किन किन और कामों में आप इंडल्ज रहती हैं और क्या कुछ आप अलग से काम करती हैं? पेपर के अलावा मेरे और भी बिजनेस इंटरेस्ट हैं। मुझे एक्चुअली अलग अलग फील्ड में काम करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे को लगता है आपको जब भी आप एक नई इंडस्ट्री में एंटर करते हो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, जैसे आपने बताया स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स, मेरी यूके में और टर्की में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। इसके अलावा मेरे और भी जैसे डेंटिस्ट्रीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी डाइवर्स बिजनेस पोर्टफोलियो है और मुझे इसको बिल्कुल एक्सपैंड करते रहना बड़ा अच्छा लगता है। पूनम जी, हम लोगों ने सुना है कि आपकी फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी है, तो क्या आगे आपका कोई प्लान है बॉलीवुड मूवी को प्रोड्यूस या डायरेक्ट करने का? मैं बहुत सालों से बॉलीवुड में एक मूवी बनाना चाहती थी। नॉट दैट आई एम यू नो लाइक इट्स जस्ट अनदर बिजनेस इंटरेस्ट फॉर मी, बट आई वॉन्ट टू मैं एक अच्छी कहानी के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है और बात भी चल रही है, देखिए क्या होता है आगे। हमने अगर बॉलीवुड का जिक्र कराई है तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके बॉलीवुड जो है उनमें से फेवरेट एक्टर कौन है और अगर एक्ट्रेस है फेवरेट आपकी तो उनका कोई अच्छा सा या आपका फेवरेट डायलॉग? आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो कोई भी रोल बड़े अच्छे से करती हैं और उनका राजी का एक डायलॉग है, वतन के आगे कुछ नहीं खुद भी नहीं। क्या बात है। पूनम जी दिल्ली वाली हैं और यहाँ से ही उन्होंने स्कॉटलैंड की पूरी जो अपनी जर्नी है वो तय करी थी। पूनम जी आपको क्या लगता है कि दिल्ली कितना बदल चुका है और जब आप स्कॉटलैंड में होते हैं तो दिल्ली की कौन सी खास बात है जो आप मिस करते हैं? दिल्ली ऑब्वियसली 20 साल में बहुत बदल रहा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है और पर मैं दिल्ली की पली बड़ी हूँ तो आप अपने जहाँ के आप होते हैं वो कभी आप अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। और दिल्ली का क्या पसंद है? खाना। मैं बहुत मिस करती हूँ स्कॉटलैंड में दिल्ली की जो खास खास चीज़ें हैं वो खाने की, वो पसंद, वो मिस करती हूँ। अपनी फैमिली को मिस करती हूँ, भाषा को मिस करती हूँ, अपने लोगों को मिस करती हूँ। पूनम जी आखिरी सवाल मेरा आपसे और आखिरी जो आप मैसेज हमारे दर्शकों को आज हमारे जी हिंदुस्तान के माध्यम से आप देना चाहते हैं? औरतों को सपोर्ट कीजिए व्यापार में आने के लिए, काम करने के लिए। हमारी ज़रूरतें मेन से डिफरेंट होती हैं क्योंकि हमारे पे एक्सपेक्टेशंस उनसे अलग होती है, लेकिन अगर सोसाइटी चाहे तो क्या नहीं बदल सकता। तो आप अपने घर में बहन बेटियों को सपोर्ट कीजिए कि वो अपने सपनों पे काम कर सकें। थैंक यू सो मच पूनम जी हमारे साथ आज बने रहने के लिए। हमारे साथ आज थी ये वुमेन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने लाखों महिलाओं को मोटिवेट करा है कि वो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और अपनी एक अलग पहचान बनाए। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप जुड़े रहें जी हिंदुस्तान के साथ।